मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मियों को नियमितीकरण जैसी सुविधाएं देकर उन्हें बड़ी सौगात दी है, जिससे पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। संविदा कर्मियों के साथ ही अब उनके परिजन भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके बने। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, बहुमान भी है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। आपकी छुट्टियां भी CL, EL, ऐच्छिक अवकाश, वो भी सारी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान से संविदा कर्मचारियों के साथ ही उनके परिजन का भी जीवन बदलेगा। कर्मचारियों को अब नियमित कर्मचारी की तरह ही सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनके परिवार में खुशहाली और तरक्की आएगी। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करने वाली नीता शर्मा लंबे समय से संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने जब ये तोहफा दिया तो उनके घर पर खुशी का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री के इस फैसले को नीता शर्मा के घर पर उत्सव के रूप में मनाया गया। इस निर्णय को हम बहुत ही पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमको बहुत सी उपेक्षाओं का सामना करना पड़ रहा था। एक समाज में भी संविदा कर्मचारी की कोई इज्जत नहीं थी, न ही विभाग में कोई इज्जत थी। तो हमको सम्मान मिलेगा और सम्मानजनक रूप में हम कार्य कर पाएंगे। साथ में ही हमारे परिवार का भी उत्थान होगा, परिवार की प्रगति करेगा, हमारे बच्चों का लालन पालन और उनका पोषण और उनके जो करियर की निर्माण है वो अच्छे से कर पाएंगे। डिसीजन लिया है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लिया है, उनको और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर में भी हम लोगों को अच्छा मिलेगा। जिनको उनको सैलरी मिलेगी जैसे अच्छी खासी, उन लोगों ने डिसीजन लिए हैं वो उनके बेनिफिट के लिए लिए हैं। पॉजिटिवली देखते हैं कि उनने फाइनली कोई अच्छा डिसीजन लिया, जिससे उनकी भी लाइफ अच्छी होगी और हम लोग की भी लाइफ उनकी वजह से अच्छी होगी। जिस तनख्वाह से घर का गुजारा भत्ता ही संभव हो पाता था, उस सैलरी से अब संविदा कर्मियों के बेटे बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री का यह फैसला परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने का फैसला है। वेतन बढ़कर मिलेगा और सरकारी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, तो संविदा कर्मी भी और मेहनत करेंगे। सभी संविदा कर्मी जो एक बहुत कम आय में अपना जीवन यापन कर रहे थे, परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, तो उनको एक सम्मानित वो मिल जाएगी राशि। दूसरा, भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा, परिवार का बच्चे से अच्छे से पढ़ पाएंगे, शादी विवाह के संबंध भी जो है अच्छे से हो पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बहुत ही शानदार निर्णय लिया है कि अभी तक ग्रामीण महिलाओं को ही उन्होंने लाडली बहना का लाभ दिया था, अब उन्होंने संविदा कर्मचारियों को जो स्वास्थ्य विभाग में और अन्य विभागों में बहुत सारी महिलाएं कर्मचारी हैं, तो उनको भी लाडली बहना के रूप में ही मानने के इतना अच्छा लाभ दिया है, तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। और हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि इस तरह से जन कल्याणकारी यही निर्णय लेते रहें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले ने संविदा कर्मियों के साथ ही उनके परिवार का जीवन भी बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से संविदा कर्मी के परिजन भी खुश हैं और CM की सराहना करते थक नहीं रहे हैं। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।